सक्सेस जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपके सामने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 में जो आपका प्राइमरी लेवल का पेपर हुआ था उसमें जो आपका संस्कृत का भाग है वह प्रश्न पत्र मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सटीक उत्तर के साथ। इसे प्रश्न पत्र के साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट भी समझिए। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो सबसे पहले आपका जो है वह आपका गद्यखंड है। इसके आधार पर आपका 61 से लेकर 63 तक प्रश्न दिए गए हैं। गद्यखंड आप पढ़ लीजिएगा, हम प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न था शिवपदस अनर्थ क, इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा श्रृंगाला, आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर दूसरा जो आपका है गद्यखंडे कया प्रश्न पृछते, तो ऑप्शन नंबर आपका जो तीसरा है लक्ष्य, आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 63 आपका है या तीसरा आपका कयो नाप सर्वेशा मंगलाय भवतु, तो ऑप्शन नंबर आपका है तीसरा लक्ष्मी पार्थियो, आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 64 या चौथा आपका संप्रेषण का कार्य है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका है चौथा, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना, कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना और अनुभूति कराना, ये तीनों आपके राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट है। प्रश्न नंबर 5वां है शिशु मोदकाय रोदति उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका इसमें दूसरा तदर्थ चतुर्थी वाच्य का, ये आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 आपका उष्ण वर्णों का बोधक प्रत्याहार है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सल प्रत्याहार के अंतर्गत उष्ण वर्ण आते हैं। प्रश्न नंबर 7वां दृश्य धातु से स्त्री प्रत्यय करके निष्पन्न होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है दूसरा पश्चन आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका 8वां मनोरथ है उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट है, विसर्ग संधि आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9वां 6 मिलकर बना है किससे, तो क और श से, ऑप्शन नंबर आपका जो है पहला वा आपका राइट है। प्रश्न नंबर 10वां आपका दाद हाथ किस गढ़ की है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा जो है ज्योत्यादिगढ़, ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 11वां आपका है मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य होगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपका दूसरा व राइट है मया आपणं गम्यते, ये आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 आपका है उपस्थिति में संधि है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो दूसरा पररूप आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है नैके में संधि है, तो ऑप्शन नंबर आपका है तीसरा वृद्धि संधि, आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था अव्यय शब्द समूह है, मतलब कौन से समूह जो है वो आपके अव्यय शब्द के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो आपका है अत्र तत्र और तस्य, ये आपके होंगे अव्यय शब्द, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट है। अगला प्रश्न होगा 79 की संस्कृत संख्या नहीं है, नहीं है पूछा, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा 69 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न नयन में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट है नी और धनल्यूट, आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर अगला आपका अंतस्थ वर्ण है, ऑप्शन नंबर जो आपका है तीसरा य व र ल, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा कि अट प्रत्याहार के वर्ण हैं, तो आपका जो स्वर और जो है वर, मतलब आपके जो हैं इतने वर्ण जो आते हैं ये आपके अट प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, आपके स्वर और है या वर, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न है वसंत ऋतु में कौन सी संधि है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो दूसरा है वह आपका राइट है, गुड़ संधि आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है पंचगम में कौन सा समास है, इसमें तो दोस्तों वैसे द्विगु समास होगा लेकिन ऑप्शन में द्विगु समास नहीं है, तो आप पाणिनि के अनुसार आपका जो ऑप्शन नंबर ए है मतलब तत्पुरुष समास, इसमें आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका पितृ शब्द का संबोधन एकवचन रूप होगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो आपका हे पिता, आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 82 निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है, तो क्षत्रज्ञस्र, ये आपका संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट है, ज्ञा आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 83 है चाहिए अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है, तो तब्यत आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर
अगला है मुझे संस्कृत अच्छी लगती, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? तो महाम संस्कृत रुचते। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है तीसरा आपका राइट है। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो आपको पता ही होगा 18 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कारक में यदि प्रकृति है क्री तो प्रत्यय आपका है ड्यूल। इसे तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, ऑप्शन तीसरा आपका राइट है। नहीं जानते हैं तो आप अच्छे से इसे तैयार कर लीजिए, ये बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट है, अधिहरी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन चतुर्विंशति सहस्र संहिता के नाम से ख्यात है? तो आपका रामायण को चतुर्विंशति सहस्र संहिता के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट है। अगला प्रश्न, अच्युत संधि का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका है दूसरा विद्वान जयति आपका राइट आंसर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न, संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्युदोष धम कहा गया है? तो श्रीहर्ष आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर चौथा। तो ये रहा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 में जो आपका पेपर हुआ था उसका संस्कृत का प्रश्न पत्र। आने वाली वीडियो में आपके सामने 2018 में जो आपका पेपर हुआ था संस्कृत का प्राइमरी लेवल का वह प्रश्न पत्र लेकर आऊँगा। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।